गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी डिस्कस नेटवर्किंग और सेल मॉडल। अगर ये देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, लाइक योर आरआरबी मेंस, आरबीआई मेंस, इसमें से कम आपको 3-4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो आज हम वही डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज ये वाला ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल जो होता है उसे हमारी, अगर उसकी फॉर्म की बात करें, दैट इज़ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। एक रेफरेंस मॉडल होता है, रेफरेंस का मतलब एक थियोरेटिकल मॉडल है, कुछ भी प्रैक्टिकली नहीं है इसके अंदर। सो ये बताता है कि हमारी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल हो रही है और थ्रू फिजिकल मीडियम। अगर फिजिकल मीडियम की बात करें, फिजिकल मीडियम वो होता है पाथ प्रोवाइड करता है कि जिसके थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, वो होता है फिजिकल मीडियम। यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिकल मीडियम। फिर ओएसआई में जो होती है आपकी 7 लेयर्स होती हैं और 7 की 7 ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। देन ओएसआई मॉडल जो होता है वो डेवलप किसने किया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इन 1984 में इसे डेवलप किया गया था। ओएसआई मॉडल जो है डिवाइड कर देता है सारे टास्क को डिफरेंट डिफरेंट स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर देता है, जिससे ईजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। सो नेक्स्ट फिर आते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि ओएसआई जो है ईच लेयर साइंड आप पर्टिकुलर टा, हर लेयर का अपना अपना काम होता है। अब जो होता है हर लेयर जो सेल्फ कंटेन होती है और असाइन जो किया गया होता है हर टास्क लेयर को, वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व करती है उसे। देन नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम लेयर देखें, 7 लेयर्स होती हैं हमारी, जिनका नेम है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है और एप्लीकेशन लेयर होती है, ठीक है। ये दी जाता है 7 लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। सो अब यहाँ देखते हैं, अब देखते हैं हमेशा जो होती है ना हमारी लेयर, वो बॉटम टू टॉप होती है, ना कि टॉप टू बॉटम। सो नीचे आएगा हमारा फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट होगा, देन सेशन होगा, उसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन, देन एप्लीकेशन। अगर फिजिकल की बात करें, ये एक फिजिकल मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, वन कंप्यूटर टू द अनदर कंप्यूटर, या सेंडर से रिसीवर के पास जाती है। फिर हम डेटा लिंक की बात करते हैं। डेटा लिंक में इट इज़ यूज फॉर एरर फ्री ट्रांसफर। अब जो है तब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, उसके अंदर थोड़ा बहुत तो एरर होता ही है। सो क्या होता है कि एरर फ्री करता है, मतलब कि एरर हटा देता है, ठीक है। देन हम जाते हैं नेटवर्क लेयर, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पैकेट, ये पैकेट को मूव करती है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। देन ये आता है ट्रांसफर, इट प्रोवाइड रिलायबल मैसेज, रिलायबल मैसेज ट्रांसफर करती है प्रोसेस टू प्रोसेस। ये वाला आ जाता है कि प्रोसेस टू प्रोसेस कौन ट्रैवल करता है, ये होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर भी आपके दो प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो है आपका TCP एंड देन इज UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। देन सेशन लेयर, इट इज़ यूज टू एस्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशन, ये सेशन को एस्टैब्लिश करती है, एंड देन तब काम हो जाता है, मैसेज चला जाता है, देन टर्मिनेट कर देती है सेशन को, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर, ये इसे हम बोलते हैं हम सिक्योरिटी लेयर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी लेयर। अगर इसका अनदर नेम है, इसका नेम है सिंटेक्स लेयर भी बोलते हैं हम प्रेजेंटेशन लेयर को। एप्लीकेशन लेयर जो होती है आपकी टॉप मोस्ट लेयर होती है और ये एंड यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करती है, लाइक सिस्टम से इंटरेक्ट कैसे करना है, ये सब एप्लीकेशन का काम है। देन हम जाते हैं ये देखते हैं, यहाँ पे देखो जैसे फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर की बात करें तो ये बिट्स की फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर करती है। सपोज़ ये डेटा लिंक के पास जाएगा, अब डेटा लिंक क्या होगा, उसमें तो फ्रेम की फॉर्म में होता है डेटा, तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा फ्रेम की फॉर्म में, देन नेटवर्क लेयर को भेजेगा, फिर नेटवर्क लेयर पैकेट की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, देन ट्रांसपोर्ट लेयर को भेजेगा, और ट्रांसपोर्ट लेयर ऐसी सेगमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, आगे भेजेगा। अगर हम ये देखें कि फिजिकल डेटा लिंक है, नेटवर्क लेयर ये होती है मीडिया लेयर्स, और जो ये हमारी सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन होती है होस्ट लेयर। अगर हम ये देखिए कि इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, मीडिया लेयर होस्ट लेयर को देखा जाए तो यहाँ पे कौन कनेक्ट कर रहा है, हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्ट कर रहा है। एंड टू एंड कनेक्शन रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नेटवर्क और हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क और जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है इस पर हमारा TCP और UDP प्रोटोकॉल यूज़ होता है, और जो नेटवर्क लेयर है इस पर हमारा जो डिवाइस है वो है राउटर, राउटर यूज़ होता है। राउटर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस है, जो बेसिकली क्या करता है, ऑप्टिव, सपोज़ आप पे बहुत सारे पाथ अवेलेबल है जिस पे भी हमारा पैकेट मूव कर सकता है, तो ये उसमें से पाथ सेलेक्ट करता है कि विच वन इज़ ऑप्टिमम पाथ, और फिर देन डेटा को, देन पैकेट को सोर्स टू डेस्टिनेशन भेज देता है। ये काम होता है नेटवर्क लेयर में, और इसमें IP लॉजिकल एड्रेस ये सब होता है। और डेटा लिंक की बात करें, इसके अंदर हमारा मैक होता है और एक LLC होता है। मैक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और LLC होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ये इसके अंदर दो अपर लेयर होती है हमारी LLC एंड लोअर लेयर होती है हमारी मैक, दैट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। और हम मैक को फिजिकल एड्रेस भी बोल सकते हैं। देन हम जाते हैं इस पर,
यहाँ पे देखते हैं TCP/IP मॉडल, ये एक हमारा OSI मॉडल है, एक हमारा TCP/IP मॉडल। इसमें बेसिकली हमसे डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि OSI के अंदर हमारी 7 लेयर होती है, लेकिन TCP/IP के अंदर हमारी कितनी लेयर होती है, 4 लेयर्स होती है। कहीं कहीं आपको 5 भी दिखेगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है 4। इसे आप शॉर्ट वे में याद कर सकते हो, द एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और इंटरनेट लेयर। तो इसे आप याद कर सकते हो नीटा। तो इसका मतलब नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड दिस एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, TCP/IP मॉडल वॉज डेवलप प्रायर टू द OSI मॉडल। अब वो रेफरेंस मॉडल था, उसमें कुछ ना कुछ कमी थी, तो इसलिए TCP/IP मॉडल आया। TCP/IP मॉडल इज़ नॉट एक्जैक्टली सिमिलर टू द OSI मॉडल, ये सिमिलर नहीं है। उसके अंदर हमारी 7 लेयर थी, इसके अंदर हमारी खाली 4 लेयर्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, ये देखते हैं अब जो है ये कैसे कैसे बनी है ये लेयर बताते हैं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन सेशन, इसका एक ही लेयर बना दिया है TCP/IP के अंदर, दैट इज़ एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट लेयर तो वो सेम ही है। अब जो जो कनेक्ट कर रही है, देखो यहाँ पे कनेक्ट कर रही है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, जिसे हमने बोला था होस्ट लेयर और नीचे बोला था हमने मीडिया लेयर्स। तो ये इसे कनेक्ट कौन करना है, ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब नेटवर्क को इंटरनेट लेयर बोल दिया और डेटा लिंक एंड फिजिकल को एक बना दिया, दैट इज़ नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो नीटा इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेयर ऑफ TCP/IP। तो नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। मूव करते हैं नेक्स्ट। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा कि TCP और UDP। तो अगर हम इस फुल फॉर्म की बात करें तो TCP होता है हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP होता है हमारा यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब जो होता है प्रोटोकॉल, ये होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस, तब भी हमें कोई डेटा ट्रांसफ़र करना होता है TCP की हेल्प से। तो क्या होता है, ये सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, देन हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है। लेकिन UDP के अंदर ऐसा नहीं होता है, ये कनेक्शन लेस होता है। ठीक है, अब सिक्योरिटी मेक चेक फॉर एरर, इसके अंदर क्या होता है, TCP एरर को चेक करता है, देन डेटा को ट्रांसफ़र करता है, चेक करता है, देन रिपोर्ट करता है, देन ट्रांसफ़र करता है। UDP के अंदर वो चेक तो करता है एरर, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं करता। तो इसलिए यही रीज़न है कि TCP का जो है, अगर हम बात करें स्पीड की, इसकी स्लो है एंड UDP की हाई है। ठीक है, अब डेटा सेंडिंग जो है वो हमारी स्लोअर है, किस केस में, TCP में। लेकिन अगर UDP की बात करें तो डेटा सेंडिंग फास्टर है। हेडर साइज़ जो है वो 20 बाइट का है TCP के अंदर, लेकिन अगर हेडर साइज़ की बात करें UDP के अंदर 8 बाइट्स का है। सेगमेंट्स की बात करें, इसमें एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता UDP के अंदर। अगर एप्लीकेशन की बात करें, TCP हमारा ईमेल में यूज़ होता है, UDP की बात करें तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल में यूज़ होता है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और इनकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। फॉर मोर वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।